एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कल्ट एक्सप्लेनर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टॉप 5 एडल्ट बेस्ट मूवीज की जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इन मूवीज में एडल्ट सीन के अलावा इनकी स्टोरी एकदम माइंड ब्लोइंग है जिनको आप लोगों ने अब तक देखी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन मूवीज की लिस्ट मैंने IMDb रेटिंग के हिसाब से तैयार की है। आज की टॉप 5 एडल्ट मूवीज की लिस्ट में पांचवें नंबर की मूवी है 3 Days of Blind Girl। यह एक थ्रिलर ड्रामा एडल्ट मूवी है। यह मूवी 1993 में रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर विंग चू चान है। मूवी की IMDb रेटिंग 5.6/10 है। बात की जाए इसकी स्टोरी के तो मिसेज जग जो कि एक डॉक्टर की बीवी होती है, वह एक ऑपरेशन के दौरान अस्थायी रूप से अंधी हो जाती है। मिसेज जैक का पति उनको घर में मेड के भरोसे छोड़कर मकाऊ में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चला जाता है। मिसेज जैक का अंधे होने का फायदा उठाकर एक स्ट्रेंज आदमी उनके घर में घुस जाता है और काफी कुछ उनके साथ करता है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर की मूवी है द मैनियक। यह एक हॉरर थ्रिलर क्राइम इरोटिक मूवी है जो कि 2016 में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट फ्रैंक कॉल्फन ने किया है। बात की जाए इसकी स्टोरी की तो इसमें एक लड़का फ्रैंक होता है जो कि सनकी होता है। वह लड़कियों का मैनिक्विन बनाता है। उसे एक बीमारी भी होती है जिसके कारण उसे मर्डर हेलुसिनेशन दिखाई देता है। जब फ्रैंक छोटा होता है तब उसके सामने उसकी माँ दो मर्दों से संभोग कराती है। यह सपना उसे बार बार आता है। इस मूवी की स्टोरी यूनिक होने के कारण इसकी IMDb रेटिंग 6.1/10 है। हमारी लिस्ट की तीसरे नंबर की मूवी है द नियॉन डेमन जो कि 2016 में रिलीज हुई है। यह एक हॉरर थ्रिलर इरोटिक मूवी है। इस मूवी को निकोलस वेंडिंग ने डायरेक्ट किया है। बात की जाए इसकी स्टोरी की तो इस मूवी की स्टोरी में एक टीनेज लड़की जैसी होती है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी एज 16 साल कंप्लीट हो गई होती है। उसके पेरेंट्स की डेथ बचपन में हो गई होती है। वह जॉर्जिया से लॉस एंजलिस मॉडल बनने आई होती है। दिखने में वह तो काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती है। उसके मॉडल बनने के रास्ते में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मूवी में यही दिखाया गया है। उस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1/10 है। हमारी लिस्ट की दूसरे नंबर की मूवी है द लॉर्ड जो कि 2015 में रिलीज हुई है। यह एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर और इरोटिक मूवी है। यह मूवी पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। इस मूवी को आंशिक समझायका ने डायरेक्ट किया है। इसकी स्टोरी की बात की जाए तो दो मरवेट जिनका नाम गोल्डन और सिल्वर होता है एक ग्रुप के कुछ लोगों को देखती है। उनमें से एक का नाम ट्रिटन होता है। वह उनको अपने बास के पास ले जाता है। उनका बास उनको गाना गाने और स्ट्रिपिंग के लिए काम पर रख लेता है। गोल्डन और सिल्वर को आदमियों का लिविंग स्टाइल काफ़ी पसंद आने लगता है। आगे की स्टोरी में काफ़ी कई सारे ट्विस्ट हैं जिनको जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3/10 है। हमारी लिस्ट की पहली नंबर की मूवी है द हैंडमेडन। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई है। यह एक ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को पार्क चान बुक ने डायरेक्ट किया है।
इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। बात की जाए इसकी शॉर्ट स्टोरी की तो इस मूवी की स्टोरी वर्ल्ड वार टू के बाद की है। इस मूवी में एक लड़की जिसका नाम हिंडको होता है वह अपने मामा के घर पर रहती है। उसका मामा उसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी भांजी के पास काफ़ी सारी जायदाद होती है, लेकिन हिंडको आज़ादी चाहती है, वह उस घर से भाग जाना चाहती है। इस मूवी में काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं जिनको देखकर आपको जरूर मजा आएगा। तो दोस्तों आज की टॉप 5 लिस्ट में से जो कोई भी मूवी आपको पसंद आती है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी ही मूवीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही बेस्ट मूवीज़ को लेकर।